हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम मेंडलीव के संशोधित आवर्त सारणी के बारे में पढ़ेंगे। तो प्राचीन समय में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने तत्वों का वर्गीकरण करके आवर्त सारणी बनाई, लेकिन सर्वप्रथम सबसे महत्वपूर्ण योगदान मेंडलीव ने दिया था। मेंडलीव ने पुराने आवर्त नियम का उपयोग करके एक आवर्त सारणी बनाई, जिसे मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी कहते हैं। लेकिन चूंकि पुराना आवर्त नियम गलत था, इसलिए इस पे आधारित जो आवर्त सारणी थी उसमें कुछ कमियां थीं। तो यहाँ पे इस पुराने आवर्त नियम की जगह आधुनिक आवर्त नियम का उपयोग वैज्ञानिकों ने किया और मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में कुछ संशोधन किया। तो इससे जो नई आवर्त सारणी प्राप्त हुई उसे हम मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी कहते हैं। आज की वीडियो में हम मेंडलीव के संशोधित आवर्त सारणी की संरचना को समझेंगे। मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी में हम देख सकते हैं कि ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज कॉलम बने हुए हैं। तो ऊर्ध्वाधर कॉलम को हम समूह या वर्ग कहते हैं, जबकि क्षैतिज कॉलम को हम आवर्त या श्रेणी कहते हैं। मेंडलीव के संशोधित आवर्त सारणी में हम देख सकते हैं कि आवर्तों की कुल संख्या 7 है। ये पहला आवर्त है, ये दूसरा, तीसरा, इसी प्रकार से यहाँ पे कुल 7 आवर्त उपस्थित हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो 7 आवर्त होते हैं, इसमें कुल 10 क्षैतिज पंक्तियाँ होती हैं। वो इस प्रकार से कि हम देख सकते हैं कि पहले, दूसरे और तीसरे आवर्त में एक एक क्षैतिज पंक्तियाँ होती हैं, लेकिन चौथे, पांचवें और छठवें आवर्त में हम देखें तो ये जो आवर्त होती हैं ये 2 क्षैतिज पंक्तियों में बटे होती हैं। मतलब चौथे आवर्त में 2 पंक्तियाँ होंगी, पांचवा भी 2 पंक्तियों में बटा होगा और छठवा भी 2 पंक्तियों में बटा होगा। और सातवां आवर्त हम देखते हैं कि अपूर्ण है, मतलब इसमें अभी तत्वों की संख्या बहुत अधिक नहीं है, इसलिए सातवें आवर्त में केवल एक ही क्षैतिज पंक्ति है। तो इस तरह से देखा जाए तो ये 3 और 6 9 और 1 10, तो ये 7 आवर्त 10 क्षैतिज पंक्तियों में बटे हुए हैं। आगे हम देखते हैं कि आवर्तों को 2 प्रकार में बांटा गया है, लघु आवर्त और दीर्घ आवर्त। ये 2 प्रकार के आवर्त हैं। तो हम देख सकते हैं कि आवर्त 1 2 और 3, इसको हम लघु आवर्त कहते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि तत्वों की संख्या कम होती है। और शेष जो आवर्त हैं, यानी 4 5 6 और 7, इन आवर्तों को हम दीर्घ आवर्त कहते हैं, क्योंकि इनमें तत्वों की संख्या अधिक होती है। अब अगर हम इन आवर्तों में तत्वों की संख्या देखें तो हम देखते हैं कि जो पहला आवर्त है, यानी इस आवर्त में हम देखते हैं कि तत्वों की कुल संख्या 2 होती है, यानी केवल 2 तत्व पहले आवर्त में उपस्थित है। फिर हम देखते हैं कि दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या 8 होती है और तीसरे आवर्त में भी तत्वों की संख्या 8 होती है। फिर हम देखते हैं कि चौथे और पांचवें दोनों ही आवर्तों में तत्वों की संख्या 18 18 होती है, और फिर छठवें आवर्त में 32 होती है। सातवां आवर्त हम देखते हैं कि तत्वों की कमी के कारण ये अपूर्ण है। तो हम देख सकते हैं कि इन संख्याओं में तत्व जो होते हैं वो आवर्त सारणी में व्यवस्थित होते हैं। अब आगे हम समूह या वर्ग को देखते हैं। तो हम देखते हैं कि आवर्त सारणी में कुल समूहों की संख्या 9 है, जिसे हम क्रमशः रोमन अंकों से दिखाते हैं, 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th और 9वें समूह को हम 0 समूह से दिखाते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ फिगर में देख सकते हैं, ये पहला समूह है, ये पहला वर्ग भी कह सकते हैं, ये दूसरा समूह, तीसरा समूह, चौथा। तो इसी प्रकार से ये समूह हैं कुल 9, और 9वें समूह को हम 0 समूह कहते हैं। अब अगर हम इन समूहों में देखें तो ऊर्ध्वाधर कॉलम बने होते हैं। तो 1 से लेकर, यानी 1st से लेकर अगर हम 7th समूह तक देखें तो इसमें 2 ऊर्ध्वाधर कॉलम बने होते हैं। यानी हम देखेंगे कि जो पहला समूह है, ये समूह 2 ऊर्ध्वाधर कॉलमों में बटा होगा। इसी प्रकार जो सेकंड है वो भी, तो 1st से 7th तक के सभी कॉलम जो होंगे उनमें 2 ऊर्ध्वाधर कॉलम उपस्थित होंगे। 8th समूह में हम देखते हैं कि कुल 3 ऊर्ध्वाधर कॉलम होते हैं, और जबकि 0 समूह में केवल 1 ऊर्ध्वाधर कॉलम होता है।
अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो फर्स्ट से लेके सेवेंथ तक के समूह हैं, इनमें दो ऊर्ध्वाधर कालम हैं जिन्हें हम क्रमशः ए उपसमूह या उपवर्ग कहते हैं और बी उपसमूह या उपवर्ग कहते हैं। तो ये हमने आवर्त सारणी की संरचना देखी, जिसमें हमने देखा कि आवर्त और समूह किस प्रकार से दोबारा वर्गीकृत किए गए होते हैं और इनमें तत्वों की संख्या कितनी होती है। अगली वीडियो में हम मेंडलीव के संशोधित आवर्त सारणी की आवर्त और समूहों की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे।